नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदर्श बिहार में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। देश भर में इस वक्त कोरोना संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी कोरोना संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज की क्या है कोरोना अपडेट बिहार में और कितने संक्रमितों की पहचान हुई है, आज देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में कोरोना का रफ्तार तेजी से बढ़ रहा है। आज बिहार में 998 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही संक्रमितों का संख्या बढ़कर 130,848 हो गई है। बिहार में दो जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का रफ्तार 100 के पार पहुंच गया है। इसमें बिहार की राजधानी पटना समेत भागलपुर शामिल है। पटना में 299, वहीं भागलपुर में 121 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि बिहार के कुल 38 जिलों में से कौन कौन से जिलों में कितने संक्रमितों की पहचान हुई है, देखिए। वहीं अगर हम बात करें बिहार के कुल 38 जिलों में कोरोना मरीजों की आज की संख्या की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अररिया में 83, अरवल में 12, औरंगाबाद में 32, बांका में 32, बेगूसराय में 79, भोजपुर में 31, बक्सर में 43, दरभंगा में 39, पूर्वी चंपारण में 94, गया में 36, गोपालगंज में 69, जमुई में 29, जहानाबाद में 12, कैमूर में 7, कटिहार में 84, खगड़िया में 14, किशनगंज में 88, लखीसराय में 20, मधेपुरा में 25, मधुबनी में 69, मुंगेर में 20, मुजफ्फरपुर में 86, नालंदा में 44, नवादा में 17, पूर्णिया में 87, रोहतास में 27, सहरसा में 68, समस्तीपुर में 43, सारण में 83, शेखपुरा में 20, शिवहर में 18, सीतामढ़ी में 17, सिवान में 36, सुपौल में 36, वैशाली में 41 और पश्चिमी चंपारण में 47 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो ये थी इस वक्त की कोरोना अपडेट बिहार की। बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आदर्श बिहार को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।